काम इस मिठा तारा फिर मनी सिखा पदिंग समाधियामी काम इस मिठा तारा फिर मनी सिखा पदिंग कथा गाथा नंबर 56 उफ बग्गो धम्मपद। ये जो कथा है ये महाकश्यप थेर की है। महाकश्यप थेर बहुत ज्यादा विनय का पालन करते थे, विनय में बहुत अच्छे वो धुंधर माने जाते थे विनय के। तो जब वो विपस्ना साधना करके निवटते थे तो अपनी जो चारिका है पिंडपात के लिए, अपने भोजन के लिए जो भिक्षा मांगनी है उसके लिए जाते थे, और जिसको भिक्षा मांगते थे उसको पढ़ाते भी थे, धम्म भी सिखाते थे। ये नियम है, अगर खाएंगे तो फ्री का नहीं खाएंगे, धम्म देंगे तभी खाएंगे। जब वो विपस्ना साधना में पारंगत हो रहे थे तो सीलों के गुण के कारण उनमें दिन पे दिन प्रगति होती जा रही थी, और उनके व्यवहार से, उनकी चाल से, और उनके जो वातावरण, जो खुशबू आती थी वो बदलती जा रही थी। क्योंकि वहाँ और भी मान्यताओं के लोग थे, इसलिए महाकश्यप को कुछ लोग कभी पिंडपात और खाना नहीं देते थे। जैसा कि नियम है कि गेट पर जाके खड़े हो जाते हैं, दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो आगे बढ़ जाएंगे 5 घर तक। मगर एक दिन उन लोगों ने भी जब देखा कि जो महाकश्यप हैं वो बहुत ज़्यादा सीलवान हो गए हैं, अब उनके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, उनके चेहरे पे बड़ी क्रांति और बड़ी शांति है, और अब वो बिल्कुल निर्मल हो गए हैं, उनके अंदर कहीं कोई भेदभाव कुछ नहीं है। तो उनके जो ऐसे लोग थे जो उस मान्यता के नहीं थे, जिन्होंने कभी उनको भोजन और पिंडपात नहीं कराया, वो भी उनको भोजन देने लगे। जब एक दिन उन लोगों ने उनको पिंडदान दिया, भोजन दान दिया, तो भिक्षु संघ में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति कभी इनको दान नहीं देता था, पिंडदान भोजन नहीं देता था, उसने भी इनको भिक्षा दी। इसकी चर्चा पूरे भिक्षु संघ में हुई और भगवान बुद्ध से जिज्ञासा हुई कि इस प्रश्न का वो जवाब दें। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो इस प्रकार है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनं यो चे सीलवतंग गंधो वाती देवेशु उत्तमो। अपमत्तो के यहां दो अर्थ आते हैं। अपमत का मतलब एक तो आता है अल्प मात्रा, और एक आता है अपमत्तो, यानी कि जो प्रमाद में ना रहे। दोनों जगह से यूज होता है ये। तो यहां इसका जो मतलब है वो है अल्प मात्रा में, अल्पमत्तो। अयंग गंधो, अयंग माने यह व्यक्ति, और गंधो माने गंध से, यानी अल्प मात्रा में यह गंध। यो यंग तगर चंदनं, यो यंग का मतलब है या अयंग, या अयंग का मतलब है या यह। तगर चंदनं, तगर जो खुशबूदार पौधा है जिसका खुशबूदार द्रव्य है वो, चंदनं माने चंदन। यो चे सीलवतंग गंधो, यो माने जो, चे माने और, सीलवतंग गंधो का मतलब है जो सील के में व्रत रहता है, यानी सील वाला होता है गंधो, जो उसकी सील की रहने वालों की गंध होती है। वाती देवेशु उत्तमो, वाती माने बहती है, बहता है, देवेशु माने देवों में, देवताओं में, उत्तमो माने उत्तम, यानी इसका मतलब है जो यह है तगर चंदन की गंध है, अल्प मात्रा है यह है, और जो सील वालों की गंध है, बहती है, वह देवताओं में उत्तम है। यहां भगवान का जो आशय है वो ये कहने का है कि जो तगर की और चंदन की जो गंध होती है वो तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में होती है, जो हवा के साथ बहती है, जिसको मिली मिल गई, नहीं मिली कोई भी नहीं हुआ। मगर जो सीलवान लोग होते हैं उनकी जो गंध होती है वो इतनी उत्तम होती है कि वो देवताओं में भी बहती है, जो देव लोग होते हैं वहां तक भी उनकी खबर पहुंचती है, चाहे हवा विपरीत है या नहीं है, वो चारों तरफ 24 घंटे बहती है। देवताओं का मतलब है यहाँ जो 5 सील के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में 2 तरह के लोग होते थे, कई तरह के होते थे वैसे, मगर मेन 2 तरह के, एक मनुष्य और एक देवता। मनुष्य वो होते थे जो 5 सीलों का और बाकी सीलों का पालन नहीं करते थे, और देवता वो होते थे जो कम से कम 5 सील का पालन करते थे या उससे ज्यादा भी करते थे। तो सज्जन पुरुष होते थे, बड़े अच्छे होते थे, उनके निर्मल मन। तब भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जो ये खुशबू जो पैदा करने वाले हैं, चंदन है या तगर है, इनकी जो खुशबू होती है वो बहुत कम होती है, मात्रा में होती है। जब तक खुशबू रहती है रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। हवा चलेगी तो बहेगी, वरना वो वहीं खत्म हो जाएगी, अब मिली या नहीं मिली। मगर जो लोग सील का पालन करते हैं, जिनके सील के गुण होते हैं, उनकी गंध इतनी दूर तक होती है, 24 घंटे परमानेंट होती है, वो चारों तरफ फैलती है, दिन दूनी रात
चौड़ी तरक्की से चारों तरफ फैलती है, यहाँ तक फैलती है कि जो सज्जन और देवता लोग होते हैं वो भी इसको कहते हैं कि ये उत्तम है, उनके लिए भी ये उत्तम और सबसे बढ़िया होती है। इसलिए जो महाकश्यप ने जो सील का पालन किया और सीलों के विनय पर जो चले, वो उसकी गंध इतनी ज्यादा थी कि वो लोग जो कभी उनको नहीं मानते थे या उनके को किसी भी हालत में उनकी मान्यता नहीं देते थे, उनको भी ये मानना पड़ा कि हाँ महाकश्यप के जो सील हैं वो इतने अच्छे हैं, हमें उनको दान देना चाहिए, हमें उनको भिक्षा देनी चाहिए, हमें उनको पिंडपात करना चाहिए, हमें उनको पिंड देना चाहिए, हमें उनको खाना देना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।